आज का फर्स्ट वर्ड है जिद्दी। जिद्दी को हम हिंदी में अड़ियल भी कहते हैं। जिद्दी से मतलब है ऐसा पर्सन जो दूसरों की बात ना माने और अपनी जिद पे ही अड़े रहे, उसे कहते हैं जिद्दी। वैसे जिद्दी या अड़ियल को इंग्लिश में कहा जाता है स्टबन। स्टबन या फिर आप बोल सकते हो ऑब्स्टिनेट, दोनों का मतलब है जिद्दी। और नेक्स्ट है बातूनी। बातूनी हम उस पर्सन को कहते हैं जिसको टॉक करना बहुत पसंद हो, बातचीत करना बहुत पसंद हो, उसे कहा जाता है बातूनी। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों को जो बातें करना बहुत पसंद करते हैं, वैसे बातूनी को इंग्लिश में कहा जाता है टॉकेटिव। टॉकेटिव या फिर आप बोल सकते हो चैटी, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब है बातूनी। और चुप्पा। चुप्पा हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसे कम बोलना पसंद हो, और इसे हिंदी में अल्पभाषी भी कहते हैं। वैसे चुप्पा को इंग्लिश में कहा जाता है टैसिटन। टैसिटन मतलब चुप्पा। और नेक्स्ट है मिलनसार। मिलनसार हम उस पर्सन को बोलते हैं जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हो, उस पर्सन को बोलते हैं हम मिलनसार। वैसे मिलनसार को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस या फिर आप बोल सकते हो सोशेबल, दोनों का मतलब है मिलनसार। और नेक्स्ट है भरोसेमंद। भरोसेमंद हम उसके लिए यूज करेंगे जिस पर आप भरोसा कर सको। वैसे भरोसेमंद को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी या फिर आप बोल सकते हो रिलायबल, दोनों का मतलब है भरोसेमंद। और गैर भरोसेमंद उसके लिए यूज होगा जिस पर आप भरोसा ना कर सके। वैसे गैर भरोसेमंद को इंग्लिश में कहा जाता है अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी या फिर आप बोल सकते हो अनरिलायबल, दोनों का मतलब है गैर भरोसेमंद। और नेक्स्ट है कंजूस। कंजूस हम उस पर्सन के लिए यूज करेंगे जिसे पैसा खर्च करना पसंद ना हो और वो हमेशा कंजूसी करे। और कंजूस को हम मक्खी चूस भी बोलते हैं हिंदी में। वैसे कंजूस को इंग्लिश में कहा जाता है स्टिंजी। स्टिंजी या फिर आप बोल सकते हो टाइट फिस्टेड, दोनों का मतलब है कंजूस। और नेक्स्ट है भुलक्कड़। भुलक्कड़ हम उस पर्सन को कहते हैं जो भूल जाता है कोई भी बात बहुत जल्दी। वैसे भुलक्कड़ को इंग्लिश में कहा जाता है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड मतलब भुलक्कड़। और नेक्स्ट है चंचल। चंचल हम उस पर्सन के लिए यूज करेंगे जो अपने ओपिनियन हमेशा बदलता रहे। वैसे चंचल को इंग्लिश कहा जाता है फिकल। फिकल मतलब चंचल। और नेक्स्ट है शरारती। शरारती या नटखट जो कि ज्यादातर बच्चे होते हैं, वैसे शरारती या नटखट को इंग्लिश कहा जाता है मिस्चिबस। मिस्चिबस मतलब शरारती या नटखट। और नेक्स्ट है नखरेबाज। नखरेबाज उस पर्सन को कहा जाता है जो नखरे दिखाता है। वैसे नखरेबाज को इंग्लिश कहा जाता है पिकी। पिकी मतलब नखरेबाज। और नेक्स्ट है संकीर्ण मानसिकता वाला। ऐसा पर्सन जिसकी छोटे विचार हो या छोटे विचारों वाला हो, उसे कहा जाता है संकीर्ण मानसिकता वाला। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण मानसिकता वाला। और खुले विचारों वाला, जो खुले विचारों का हो, उस पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है ओपन माइंडेड या फिर आप यूज कर सकते हो ब्रॉड माइंडेड, दोनों का मतलब है खुले विचारों वाला। और नेक्स्ट है वफादार। वफादार है अगर कोई पर्सन, वैसे वफादार को इंग्लिश कहा जाता है लॉयल। लॉयल मतलब वफादार। और बेवफा। बेवफा उसे कहा जाता है जो वफादार ना हो, वैसे से इंग्लिश कहा जाता है डिसलॉयल। डिसलॉयल मतलब बेवफा। और नेक्स्ट है जिंदा दिल। जिंदा दिल है अगर कोई पर्सन, वैसे जिंदा दिल को इंग्लिश कहा जाता है लाइवली। लाइवली मतलब जिंदा दिल। और नेक्स्ट है झगड़ालू। झगड़ालू या लड़ाकू, अगर कोई पर्सन झगड़ालू है या लड़ाकू है, लड़ाकू या झगड़ालू से मतलब है वो पर्सन हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हो, तो ऐसे पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है पगनेशियस। पगनेशियस मतलब झगड़ालू या लड़ाकू। और नेक्स्ट है भोला भाला। अगर कोई पर्सन भोला भाला है जो दूसरों पे तुरंत विश्वास कर ले और इसलिए धोखा भी खा जाता है, वैसे भोला भाला को इंग्लिश कहा जाता है गलबल। गलबल मतलब भोला भाला। और नेक्स्ट है मुंहफट। मुंहफट हम उसे बोलते हैं जो कोई भी बात मुंह पर बोल दे आपकी, खराब बोलने वाला हो वो पर्सन, उसे कहा जाता है मुंहफट। वैसे मुंहफट को इंग्लिश कहा जाता है ब्लंट। ब्लंट या फिर आप बोल सकते हो आउटस्पोकन, दोनों का मतलब है मुंहफट। और अगला है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा है अगर कोई पर्सन, वैसे चिड़चिड़ा को इंग्लिश कहा जाता है ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा। और नेक्स्ट है हसमुख। हसमुख है अगर कोई पर्सन, वैसे हसमुख को कहा जाता है इंग्लिश में चीयरफुल। चीयरफुल मतलब हसमुख। और अगला है सयाना। सयाना है अगर कोई पर्सन, वैसे सयाना को कहा जाता है इंग्लिश में अस्ट्यूट। अस्ट्यूट मतलब सयाना। और अगला है बेशरम। बेशरम है अगर कोई पर्सन, वैसे बेशरम को कहा जाता है इंग्लिश में ब्रेजन। ब्रेजन या फिर आप बोल सकते हो शेमलेस, दोनों का मतलब है बेशरम। और शर्मिला है अगर कोई पर्सन, वैसे शर्मिला को कहा जाता है इंग्लिश में शाय। शाय या फिर आप बोल सकते हो बैशफुल, दोनों का मतलब है शर्मिला। और अगला है बदतमीज। अगर कोई पर्सन बदतमीज है, वैसे बदतमीज को कहा जाता है इंग्लिश में इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब बदतमीज। और नेक्स्ट है भाग्यशाली। भाग्यशाली अगर कोई पर्सन, वैसे भाग्यशाली को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। और अगर कोई पर्सन दुर्भाग्यशाली है, वैसे दुर्भाग्यशाली को इंग्लिश में कहा जाता है
अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली। और नेक्स्ट है बुक्कड़, बुक्कड़ है अगर कोई पर्सन, वैसे बुक्कड़ को कहा जाता है इंग्लिश में वरिशियस, वरिशियस मतलब बुक्कड़। और नेक्स्ट है चिपकू, चिपकू है अगर कोई इंसान, वैसे चिपकू को कहा जाता है इंग्लिश में क्लिंगी, क्लिंगी मतलब चिपकू। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव शेकीबाज, शेकीबाज या शेकीखोर, शेकीबाज हम उस पर्सन को कहते हैं जो शेकी बगाड़ता रहता हो, वैसे शेकीखोर या शेकीबाज को इंग्लिश कहा जाता है बोस्टफुल, बोस्टफुल मतलब शेकीबाज या शेकीखोर। और नेक्स्ट है मेहनती, मेहनती है अगर कोई पर्सन, वैसे मेहनती को इंग्लिश कहा जाता है डिलिजेंट, डिलिजेंट मतलब मेहनती। और नेक्स्ट है समझदार, समझदार है अगर कोई पर्सन, वैसे समझदार को इंग्लिश कहा जाता है सेंसिबल, सेंसिबल मतलब समझदार। और अगर कोई पर्सन कमकल है, वैसे कमकल का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ, वैसे कमकल को इंग्लिश कहा जाता है डिमविट, डिमविट मतलब कमकल। और नेक्स्ट है बहुमुखी, बहुमुखी उस पर्सन को कहा जाता है जो अनेक तरीके के काम कर लेता हो, उसे कहा जाता है बहुमुखी, और जिसमें अनेक तरीके के गुण हो, वैसे इस तरीके के पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। और नेक्स्ट है दिखावेबाज, अगर कोई पर्सन दिखावा करने वाला हो उसे कहा जाता है दिखावेबाज, वैसे से इंग्लिश कहा जाता है प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब दिखावेबाज। और नेक्स्ट है आशावादी, अगर कोई पर्सन आशावादी है, वैसे आशावादी को इंग्लिश कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। और अगर कोई पर्सन निराशावादी है, वैसे निराशावादी को इंग्लिश कहा जाता है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। और नेक्स्ट है घमंडी, घमंडी है अगर कोई पर्सन, वैसे घमंडी को कहा जाता है इंग्लिश में हॉटी, हॉटी या फिर आप बोल सकते हो एरोगेंट, दोनों का मतलब है घमंडी। और नेक्स्ट है संस्कारी, अगर आपको किसी पर्सन को संस्कारी बताना है तो संस्कारी को इंग्लिश कहा जाता है कल्चर्ड, कल्चर्ड या फिर आप बोल सकते हो सिविलाइज्ड, दोनों का मतलब है संस्कारी। और अगर कोई पर्सन असभ्य है, संस्कारी नहीं है, तो वैसे इस तरीके के पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड या फिर आप बोल सकते हो अनसिविलाइज्ड, दोनों का मतलब है असभ्य। और नेक्स्ट है विनम्र, अगर कोई पर्सन विनम्र है, घमंडी नहीं है, तो उस पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र। और अगला है हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा है अगर कोई पर्सन, वैसे इस तरीके के पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है रोबस्ट, रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा। और कमजोर, कमजोर और दुर्बल हो अगर कोई पर्सन, वैसे कमजोर या दुर्बल को इंग्लिश कहा जाता है फीबल, फीबल मतलब कमजोर या दुर्बल। और नेक्स्ट है लापरवाह, लापरवाह है अगर कोई इंसान, वैसे लापरवाह को इंग्लिश कहा जाता है रेकलेस, रेकलेस मतलब लापरवाह। और अगर कोई पर्सन सतर्क है या सावधान है, तो उस पर्सन को इंग्लिश कहेंगे कॉशियस, कॉशियस मतलब सतर्क या सावधान। और नेक्स्ट है दुष्ट, दुष्ट है अगर कोई इंसान या पापी है अगर कोई इंसान, वैसे दुष्ट या पापी को इंग्लिश कहा जाता है विकेड, विकेड मतलब दुष्ट या पापी। और अगला है चिंतित, चिंतित है अगर कोई पर्सन, तो चिंतित पर्सन को इंग्लिश कहा जाता है वरीड, वरीड मतलब चिंतित। और बेफिक्र या बेपरवाह, ऐसा इंसान जिसे फ्यूचर की कोई टेंशन ना हो उसे कहा जाता है बेपरवाह या बेफिक्र, वैसे से इंग्लिश कहा जाता है हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी या फिर आप यूज कर सकते हो कैफ्री, दोनों का मतलब है बेपरवाह। और नेक्स्ट है दयालु, दयालु है अगर कोई पर्सन, वैसे दयालु को इंग्लिश कहा जाता है कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब दयालु। और अगर कोई पर्सन बेरहम है या निर्दयी है, तो उसे कहा जाता है इंग्लिश में हार्टलेस, हार्टलेस मतलब निर्दयी या बेरहम। और नेक्स्ट है शेरदिल, शेरदिल है अगर कोई पर्सन, इसका मतलब है वो बहादुर है, वैसे शेरदिल को इंग्लिश कहा जाता है लायन हार्टेड, लायन हार्टेड मतलब शेरदिल। और नेक्स्ट है फट्टू, फट्टू है अगर कोई पर्सन, इसका मतलब है वो डरपोक है, वैसे फट्टू को इंग्लिश कहा जाता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब फट्टू। और नेक्स्ट है आलसी, आलसी अगर कोई पर्सन, वैसे आलसी को कहा जाता है इंग्लिश में इंडोलेंट, इंडोलेंट या फिर आप बोल सकते हो लेजी, दोनों का मतलब है आलसी। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव स्वार्थी, स्वार्थी या खुदगर्ज, स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान जो होते हैं वो केवल अपनी चिंता करते हैं, वैसे खुदगर्ज या स्वार्थी को इंग्लिश कहा जाता है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुदगर्ज या स्वार्थी। और आज का लास्ट वर्ड है दोगला, दोगला का मतलब होता है जो एक के सामने कुछ और हो और दूसरे के सामने कुछ और, वैसे दोगला को कहा जाता है इंग्लिश में टू फेस्ड, टू फेस्ड मतलब दोगला। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताएं। और इस वीडियो में आपने सीखे 50 प्लस पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और इस वीडियो को शेयर भी करेगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।